हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्तिंकु। मो नाम प्रियदर्शिनी मुनि एवं मु मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपण मानको स्वागत करुची। जेमती कि समस्ते आपण माने जानिछंती एसएसबी रो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गलानी 22 मार्च टू जोटा कि 21 अप्रैल पर्यंत एक्टिव रहिबो वेबसाइट। सो आपण माने जेते जल्दी पारिबे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिंतु, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पर्यंत रहिबा द्वारा बहुत गुड़े जिनस कॉम्प्लिकेशंस मे बी बढ़ी जाए पारे बिकॉज़ ऑफ नेटवर्क इश्यूज। सो जिते जल्दी अप्लाई करते हैं सेते जल्दी भलो। सो बट मेक श्योर कि जिते बड़े भी अप्लाई करेंगे बहुत केयरफुली तार इंस्ट्रक्शंस को देखिए एवं किसी तरतर न हो कि आराम से माइंडफुली सब जिन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ओके, सो 2016 रो ऑलरेडी आम मैंने डिस्कशन कर सारी, जो मैंने भी मो चैनल को प्रथम थर देखुंट 2016 रो पेपर डिस्कशन ऑलरेडी अपलोड हो सारी। आपको डिस्क्रिप्शन में तार लिंक्स मिल जाव कि आप मो चैनल को जाकि होम पेज रे भी वीडियोस को सर्च कले आपको मिल जाव। आज वीडियो रे आमे चेक डिस्कशन करवा 2018 रो पेपर, सबुतक क्वेश्चन तो आम डिस्कशन करवानी ओब्वियसली, किटा पेपर मुझे डिफरेंट डिफरेंट पार्टस डिवाइड कर। सो अल्प अल्प क्वेश्चन को आम इच भिडियो मुझे डिस्क्राइब करदेवि, तो से जिनस मिल जाव। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन रे आम स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर वन कौन लिखा जाए, द मेम्बर्स अफ ह्विच अफ द फलोईंग फाइलम आर पारासाइट्स इन रेड ब्लड सेल्स अफ वर्टिब्रेट्स। सो पारासाइट्स मैंने कहले आम बुझा जो अर्गानिजम मैंने सरी जो अर्गानिजम मैंने निजर फूड खाद्य किंवा सेल्टर किंवा बासगृह खाद्यपाई किंवा बासगृहपाई जिते बड़े कि अर्गानिजम कम्प्लीटली आउ गोटे अर्गानिजम उपर डिपेंड कर लगती से आम पारासाइट बोली कहूँ। पारासाइट आपणकर साधारणतः दि प्रकार रहीपरिवे, एक्टो पारासाइट हो पार कि एंडो पारासाइट हो पार। एक्टो पारासाइट मैंने जो मैंने कि होस्ट सेल रो सरफेस उपरे रिसाइड करके रुहंती, माने बॉडी बाहर रिसाइड करके रुहंती। जमती फॉर एग्जांपल आपण माने टिक रो एग्जांपल नहीं पारे कि सब बॉडी रे जो सब छोटे 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 इनसेक्ट्स माने देखा जाती से एग्जांपल नहीं जाइपरिवे, जो माने कि एज अ एक्टो पारासाइट काम करती। किंबा मोस्ट कॉमन एग्जांपल जमती ह्यूमन मानक केस रे देखा जाए उंकुणी, जोटा कि गोटे एक्टो पारासाइट रो एग्जांपल। जदि आप एंडो पारासाइट देखिए, एंडो पारासाइट आम से कह जो मैंने कि सेल भितर कि अर्गानिजम बॉडी भितर रिसाइड करके रुहत से एंडो दैट मीन्स इनसाइड, सो एंडो पारासाइट बोली कहुए। फॉर एग्जांपल आप देखिपारे टेनिया सोलियम गोटे एंडो पारासाइट जी कि डाइजेस्टिव सिस्टम रे रुहे, किंबा आप देखिपारे आस्कारिस लुम्रिकॉइड को आप भी एग्जांपल नहीं पारे जोटा कि एगेन आम डाइजेस्टिव सिस्टम भितर रिसाइड करके रही था। कि आप बहुत गुड़े प्रोटोजोआ मान को भी देखिपारे, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम जोटा कि आपणकर आरबीसी भितर रिसाइड करके रुहे, कि लिवर सेल्स मानक आसेक्सुअल डेवलपमेंट हुए। सो आइदर सेल भितर है कि अर्गानिजम बॉडी भितर है, जदि दीटा एक केस कौन भी मात्र से जब बॉडी भितर रिसाइड कर देन ताको आम एंडो पारासाइट बोली कहवा। यही जगह जब आप क्वेश्चन देखिए कौ प्रकार पारासाइट्स मैंने आरबीसी भितर देखा जाती दैट टू वर्टिब्रेट्स भितर, तो चारिटा प्रकार एग्जांपल दि जाइए। चारिटा प्रकार एग्जांपल जब आप देखिए सिलियोफोरा जो मानक केस रे सिलिया प्रेजेंट थाए और सिलियाटा वाला सेमती कौन से अर्गानिजम मोस्टली न था जो मैंने कि आरबीसी को अफेक्ट करती। एपी कम्प्लेक्स है आपणकर सही ठीक आंसर ये। एपी कम्प्लेक्स जब आप देखिए खास करके प्लाज्मोडियम वाइवैक्स किंबा प्लाज्मोडियम फाल्सिपरम किंबा प्लाज्मोडियम ओभेल किंबा प्लाज्मोडियम अलग भी जो स्पेसीस मैंने अच्छा एम कौन करती मैलेरिया को कॉज कर था। ओके, एवं मलेरिया को कॉज करने ब्लड वेसल्स भितर एंट्री करती, ब्लड वेसल्स भितर एंट्री करके जो आरबीसी मैंने अच्छा आरबीसी मानक भितर जाकि रिसाइड करती और निज निजर बाकी स्टेजेस को फॉलोअप करते। तो सपोज धरी दिखाँ ये गोटे होस्ट सॉरी आई मीन पारासाइट है, सपोज धरी दिखाते ये आप गोटे पारासाइट है एंड दिस वन इज योर होस्ट सेल। ठीक अच्छे, ये आपंकर गोटे आरबीसी है कि आप जेकोसी गोटे होस्ट सेल को नहीं जातु, तो जदि गोटे पारासाइट को गोटे होस्ट सेल भितर को एंट्री करार अच्छे देन ताको गोटे साइट ऑफ अटैचमेंट दरकार। साइट ऑफ अटैचमेंट धरी दिखाँ सपोज दिस वन इज द अपिकल सरफेस आठ एरिया आपंकर आरबीसी बाइंडिंग हम, तो अपिकल सरफेस रे किंबा जेकोसी जो साइटा भी आपंकर अटाच रोचे होस्ट सेल उपरे से साइट पाखे एमती किसी जगह रहा दरकार जी कि डाइजेशन रे हेल्प कर पेनिट्रेशन रे हेल्प कर देन ओनली गोटे अर्गानिजम होस्ट सेल भितर को एंट्री करदे पार। तो जो अर्गानिजम मैंने एपी कम्प्लेक्सा भितर को जाती एपी कम्प्लेक्सा कैटेगरी इनक्लूड हूँ एम पाखे किटा अपिकल ग्लांड आपड़ कहीपरेंगे ये टाइप्र थाए
ଯେଉଁମାନେ କିଛିଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ସକୁ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ସକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଫେସ୍ଟା ଡିଜଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ଲି ଏ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ବିସି ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ। ଓକେ, ସୋ ଏପିକମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁମାନେ କି ଆର୍ବିସିକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ୱାଟିବ୍ଲେଟ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ସ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନଫେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ସୋ ସାଧାରଣତଃ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ବଡି ଭିତରୁ ଆସେ କେଉଁଠିକି, ହ୍ୟୁମାନ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ପାଖରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋର ସାଲାଇଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାଖକୁ ଆସେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ପାଖକୁ ଆସେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ମିଲ୍, ୟା ଫିର୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ମଶା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ି ଥାଏ, ତା'ର ଯାହା ବି ସାଲାଇଭା ସେ ତା'ର ରିଲିଜ୍ କରେ ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେ କ'ଣ କରେ ସାଲାଇଭାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ସହିତ ତା'ର କିଛିଟା ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ୍ କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ବି ସେ ରିଲିଜ୍ କରେ। ବଟ୍ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ୍ର କେଉଁ ଫର୍ମରେ ରିଲିଜ୍ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୋ ସିଏ ଫର୍ମରେ ରିଲିଜ୍ କରେ ସ୍ପୋରୋଜଏଡ୍ସ ଫର୍ମରେ। ଓକେ, ସ୍ପୋରୋଜଏଡ୍ସ ଫର୍ମରେ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ୍ ଆମ ବଡି ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଦେନ୍ ସ୍ପୋରୋଜଏଡ୍ସ ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ମେରୋଜଏଡ୍ସକୁ, ଦେନ୍ ମେରୋଜଏଡ୍ସରୁ ସେମାନେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଟ୍ରୋଫୋଜଏଡ୍ସକୁ, ଦେନ୍ ଟ୍ରୋଫୋଜଏଡ୍ସରୁ ସେମାନେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଗ୍ୟାମେଟୋସାଇଟ୍ସକୁ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଚାରିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ସେଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋରୋଜଏଡ୍ସ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇକଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ଫ୍ଲୁକ୍। ଲାଇଫ୍ ସାଇକଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ଫ୍ଲୁକ୍, ଲିଭର ଫ୍ଲୁକ୍କୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଖାସ୍ କରିକି ଆମର ଲିଭର ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଫ୍ଲୁକ୍ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥସ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ। ଏବଂ ଲିଭର ଫ୍ଲୁକ୍ର ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାସିଓଲା ହେପାଟିକା, ଫାସିଓଲା ହେପାଟିକାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲିଭର ଫ୍ଲୁକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ଲାର୍ଭାଲ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ ଲାର୍ଭାଲ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆସିଗଲା ଏଗ୍, ଏଗ୍ରୁ ଦେନ୍ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ ମିରାସିଡ଼ିୟମ୍କୁ, ଦେନ୍ ମିରାସିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଦେନ୍ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ ସିଏ ସ୍ପୋରୋସିଷ୍ଟକୁ, ସ୍ପୋରୋସିଷ୍ଟରୁ ଦେନ୍ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ ରେଡ଼ିଆ, ରେଡ଼ିଆରୁ ଦେନ୍ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ ସର୍କାରିଆ, ଦେନ୍ ସର୍କାରିଆରୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ ସିଏ ମେଟାସର୍କାରିଆ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଡଲ୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇକେଲ୍। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଏ ଗ୍ରେଡ଼ିଆ, ଏ ଗ୍ରେଡ଼ିଆ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଡି ହେବ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ସିରେ ଏ ମିରାସିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍ପୋରୋସିଷ୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସି ଅପସନ୍। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥିସ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ଏଣ୍ଡୋପାରାସାଇଟିକ୍। ସୋ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥିସ୍ର ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାସେସ୍ ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏଇଠି ଟର୍ବେଲାରିଆ କେସ୍ ମିଳିଯିବ କ୍ଲାସ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋଜିନିଆ ମିଳିଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଜେନିଆ ବି ମିଳିଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଷ୍ଟୋଡ଼ା ମିଳିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିମାଟୋଡ଼ା ମିଳିବ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମିଳିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପାରାସାଇଟିକ୍ ଥାନ୍ତି, କିଛି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ପାରାସାଇଟିକ୍ ଥାନ୍ତି। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ପାରାସାଇଟିକ୍ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ପାରାସାଇଟିକ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ, ପାରାସାଇଟିକ୍ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବଡି ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ହେଲା ନାହିଁ ସେମାନେ ଫ୍ରି ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଆସିଗଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାକୁ ନର୍ମାଲ ପାରାସାଇଟିକ୍ କହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାରାସାଇଟିକ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ପାରାସାଇଟିକ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେ ୱାନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଡେଥ୍, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବଡି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ପାରାସାଇଟିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଷ୍ଟୋଡ଼ା ମାନେ। ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି କମନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଇକି କହିବି, ଦେନ୍ ଟେନିଆସୋଲିୟମ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟେନିଆସୋଲିୟମ୍ ବହୁତ ହି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ୱାର୍ମ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଯାଉଛି।
डेंजरस वर्म जोटा कि आम बॉडी भितर जो इन्फेक्शन है देन आमर स्मॉल इंटेस्टाइन को से कैप्चर करके माने कामुड़ी धरी थाए तार सब जो टीथ सब अच्छी से टीथ रे से डाइजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीटली हैम्पर करे एवं सब बहुत गुड़े अल्सर क्रिएट हो जाए बिकॉज़ ऑफ़ द डैमेजेस ओके एवं बॉडी कम्प्लीटली वीक हो जाए जिते जहाँ भी आपड़ जब खाइबे से सब जिन सी ही अब्जर्व करके बॉडी भितर को न्यूट्रिशन र अभाव आप बॉडी देखा जीवो, ओके सो सेस्टोडा आसी जाऊँ ये ठीक आंसर दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो ठीक आंसर ओके देन द डिजीज केस जी देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर द डिजीज बिलार्जिया व्हिच इज कॉमन इन चाइना एंड मिडिल ईस्ट इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए रही ब्लड फ्लूक स्काइस्ट्रोसोमा देन वुकेरेरिया देन टेनिया साजिनाटा एंड देन प्लानेरिया प्रथम कथा तो ये लिखाई जदि आपणकर डिजीज आसूचे अच्छा प्लानेरिया रे आपणकर कौनसी प्रकार डिजीज हेबार ना ये रहा आप गोटे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये जेहेतु पारासाइटिक एक्टिविटी देखाए ना तो ये कौन सी प्रकार डिजीजेस ये करिबो ना सेकेंड आसला टेनिया साजिनाटा रे एट तो आपणकर पचरा जाउची टेनिया साजिनाटा आसीजिबो आपणकर सॉरी आई मीन एटा देखा जाए खास करके कैटल मानक केस रे सॉरी कैटल मानक केस रे एटा टेनिया साजिनाटा देखा जाए जमती आप टेनिया सोलियम देखुं जोटा कि ह्यूमन मानक केस रे देखा जमती एवं जस्ट आम पूर्व टी समय पूर्व डिस्कशन करुले टेनिया साजिनाटा जब आप देखिए कैटल्स मानक केस रे देखा जाए काउ है बफालो है यमानक केस रे आपको टेनिया साजिनाटा मिल जाव वो केरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो तो आपंकर फाइलेरियासिस रोचे किंवा आपण कहिबे एलिफेंटेसिस रहिला तो तासंगरे भी कोनो सी प्रकार रे लिंक नाही एवं ब्लड फ्लू आई मीन स्काइस्ट्रोसोमा रहिला आपणकर ठीक आंसर जो जब आपणकर बिलार्जिया डिजीज टा कॉज करे ओके देन नेक्स्ट आसले आपणकर फाइलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय एटा गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रथम कथा तो मेल मैंने केफेक्ट करती ना तो केवि आपर ऑप्शन रे मेल कि फीमेल दी जाए फीमेल मान को ही आप चूज करेंगे मेल मान कौन प्रकार रोल न था खास करके मेल मैंने डिपेंड करती हाँ ये नेक्टर उपने ब्लड डिपेंड करती ना जोटि की फीमेल मैंने ब्लड डिपेंड करती ड्यूरींग दियर प्रेगनेंसी कंडीशन जोटी से एक्सेस हेवी न्यूट्रिशन आवश्यकता थाए तो से जगह नियंती आवश्यक हेल्प नियंती ह्यूमन ब्लड तो फाइलेरिया पारासाइट जब आप देखिए तो फीमेल क्ल्यूलेस जोटा रहा जोटा कि आज काम करे वेक्टर ओके तो या थ्रु रे ऑर्गेनिज्म कौन करे ह्यूमन बॉडी भितर को इन्फेक्ट करे एवं देन तार माइक्रोफाइलेरियस मानक से बॉडी भितर इंजेक्ट कलापर से फर्दर डेवलपमेंट हुए बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अराक्निडस अराक्निडस मानक केस रे आपणकर आसीजिबे स्पाइडर्स मैंने ओके किंबा आपणकर आसीजिबे स्कॉर्पियंस मैंने एमानक केस रे आपणकर देखा जाए बुक लंग्स ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा फाइंड द ऑड वन आउट जिते सब आप देखिपुर जहाँ भी लिखाई ये सब लार्वा मान ना लिखाई सो ऑल दिस लार्वा आर बिलोंग्स टू मोस्ट ऑफ देम आर बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा कैटेगरी ठीक अच्छे सो आर्थ्रोपोडा मानक केस रे नौक्लिया सिप्रेस जोया माइसिस मेगालोपा लाइमा सिप्रेस केंट्रोजन ये सब गुड़ाक आप क्रस्टेसियंस और आर्थ्रोपोडा मानक भितर ही इनक्लूड आसी जाउची बट ट्रोकोफोर ए जगह आपणकर आसीबो नाही ट्रोकोफोर एटा आसी जाउची आपण मानकर एनिलिडा मानक केस रे ओके सो नौक्लियस आई थिंक डी ऑप्शन आपणकर आसी जीवो जोटा कि भूल ऑप्शन ओके सो बाकी तीन टाक आप ठीक ऑप्शन आसी जाउची जो मानिक समस्ते आर्थ्रोपोडार लार्वा भितर इनक्लूड हो जाउचनी देन नेक्स्ट वन जदि आम देखा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन रे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओके इनकरेक्ट स्टेटमेंट रे फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लानेरिया इट ठीक से स्टेटमेंट फ्लेम सेल्स आर सो नेम्ड बिकॉज़ ऑफ द फ्लाजेला ऑफ द सेल्स रिजेम्बल फ्लेम एटा भी आपनकर ठीक अछि एक्चुअली फ्लेम सेल रे जे स्ट्रक्चर देखिबे त स्ट्रक्चर टा किछि एही टाइप रे देखा जे से ये बहुत गुड़े आपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल जाए से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्लाजेला स्ट्राइक स्ट्रक्चर जोटा अच्छी
ଦେନ୍ ମଲସ୍କ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏକ୍ସକ୍ରିଟରି ଅର୍ଗାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ବୋଜାନସ୍ ଥ୍ରୁରେ ହୁଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇନକରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10ରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଗଲା ଏଠି, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ନିଦର ହାଭ୍ ନଟୋକଡ୍ ନର୍ ଭର୍ଟିବାଲ କଲମ୍ ଇନ୍ ଦର୍ ଆଡଲ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍। ଆଡଲ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଟିବାଲ କଲମ୍ ନଥାଏ ହର୍ମାନିଆ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ, ଏବଂ ହର୍ମାନିଆ ଆସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରୋକର୍ଡେଟ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକର୍ଡେଟ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଓକେ, ୟୁରୋକର୍ଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ମାନିଆ ଆସିଯାଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯାହା କେସ୍ରେ କି ନଟୋକଡ୍ କିମ୍ବା ଭର୍ଟିବାଲ କଲମ୍ ଆଡଲ୍ଟ କେସ୍ରେ ନଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏଠି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଅ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍? କଟଲ୍ ଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥ୍ରୋ ସରି ଆଇ ମିନ୍ ମଲସ୍କାରେ ଯାଉଛି, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଗଲା। ଡେଭିଲ୍ ଫିସ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାଟିଲାଜିନସ୍ ଫିସେସ୍ରେ ଆସିଯିବ। କ୍ରାଏ ଫିସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଲବ୍ଷ୍ଟର୍ ୟା ଫିର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରନ୍ ଯେଉଁ କାଟେଗୋରିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରନ୍ ବୋଲି ତ ଆମେ ଆସଚ୍ କହିପାରିବାନି, ବିକଜ୍ ପ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ଆସିଯିବ। ଲବ୍ଷ୍ଟର୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲେ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଏ, ତ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଲବ୍ଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ରେଜେମ୍ବ୍ଲାନ୍ସ ଆସିଯିବ। ବାକି ଡେଭିଲ୍ ଫିସ୍ରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କାଟିଲାଜିନସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି। ସୋ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋଭ୍ ଫିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଯିବ, ବିକଜ୍ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ କହିଲେ ଆମେ ବୋଥ୍ କାଟିଲାଜିନସ୍ ଫିସେସ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବା, ଆମେ ବୋଥ୍ ବୋନିଫିସେସ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବା। କାଟିଲାଜିନସ୍ ଫିସେସ୍, ବୋନିଫିସେସ୍ ବୋଥ୍ ଆସିଯିବେ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ରେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିସେସ୍। ପିସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ କାଟେଗୋରିରେ ହିଁ ଆସିଯାଉଛି। ବଟ୍ ଡେଭିଲ୍ ଫିସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେହେତୁ ବୋନ୍ ସେଇଥିରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ଆମେ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଫିସ୍କୁ ଆଜ୍ ଅ ବେଟର୍ ଅପସନ୍ ଭାବରେ ନେଇକି ଯିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ 12 ଆସିଗଲା, ହେପାଟିକ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍। ହେପାଟିକ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମ୍ନିଓଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଆନ୍ଆମ୍ନିଓଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ଦୁଇଟା ଏକ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହେପାଟିକ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ଯାଇ କେଉଁଠିକି ଲିଭର୍ ପାଖକୁ ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍। ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ଟ ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବ୍ଲଡ୍ ସବୁ ଯିବ ଲିଭର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥ୍ରୁରେ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସେଟାକୁ ହେପାଟିକ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ନିଓଟ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଆନ୍ଆମ୍ନିଓଟ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇଛି, ଅରିକୁଲାରିଆ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଭା ଅଫ୍ ହୋଲୋଥୁରିଡ଼ିଆ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ବାଇପିନେରିଆ ଲାର୍ଭା ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଫିସ୍। ମନେ ରଖିବେ, ବାଇପିନେରିଆ ଲାର୍ଭା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ଦେନ୍ ବ୍ରାକିଓଲାରିଆ ଲାର୍ଭା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ ଫିସ୍ ମିଳିବ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଲ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ ଫିସ୍ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଦେନ୍ ମୋରୁଲା, ଦେନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟୁଲା, ଦେନ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୁଲା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୁଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାଇପିନିଆ ଲାର୍ଭାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ବାଇପିନିଆରୁ ବ୍ରାକିଓଲାରିଆ, ବ୍ରାକିଓଲାରିଆରୁ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ ଫିସ୍, ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ ଫିସ୍ରୁ ଆଡଲ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ ଫିସ୍, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ 15, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ବା ଯେତେ ସବୁ ୱେଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ସଟ୍ ଡାଉନ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦର୍ ବ୍ରେନ୍ ୱାଇଲ୍ ଦ ଅଦର୍ ହାଫ୍ ରିମେନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ୱେଲ୍ସ ମାନେ କେବେ ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେମାନେ ମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର ଅଧା ପାର୍ଟ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରୁହେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ ରୁହେ, ଆଉ ବାକି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଲା ରୁହେ, ଆଉ ଅଧା ପାର୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ପ୍ରିଡେଟରସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆସିଲା ତ ନିଜକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଲର୍ଟ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧା ବ୍ରେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଅଧାକୁ ସେମାନେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖନ୍ତି ୱାଇଲ୍ ସ୍ଲିପିଂ କଣ୍ଡିସନ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଅପସନ୍ସକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ୱେଲ୍ ହାଭ୍ ବ୍ଲବର୍ସ ଦାଟ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇକ୍ୱାଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଇଟ୍ ଦେମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଅଧା ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ଅଧା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ୍ ଅଛି, ବିକଜ୍ ବ୍ଲବର୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଟି ଟିସ୍ୟୁ ଭିତରେ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି, ବଟ୍ ଇକ୍ୱାଲେସନ୍ରେ ଏହାର ବ୍ଲବର୍ସ ମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନଥାଏ। ଦେନ୍ ୱେଲ୍ସ ହାଭ୍ ଦ ସେମ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଲାଇକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଓନ୍ଲି, ଦେ ହାଭ୍ ମଚ୍ ଲାର୍ଜର୍ ଲଙ୍ଗ୍ସ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ୱେଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଟୋଟାଲି ଫଲ୍ ଆସ୍ଲିପ୍, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଏମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ ନ୍ୟୁମାଟିକ୍ ବୋନ୍ସ ଆର୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ସ। ନ୍ୟୁମାଟିକ୍ ବୋନ୍ସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ବର୍ଡ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ବୋନ୍ସ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଲିଡ୍ ବୋନ୍ ନଥାଏ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଇ ମିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ମାମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ,
सपोज धरिदिंतु मामल्स मानकर केस रे एटा जदि आपनकर मामल्स मानकर बोन हला देन आपन गोटे सॉलिड स्ट्रक्चर मिलबो ए जगह रे। तो आई मीन चिकन मटन आपन समस्त खाइथिबे ओबियसली आपन बोन रो डिफरेंसेस ता जानि परिबे। तो मटन रो जदि आपन बोन पीस देखिबे तो आपन को बोन ता ए टाइप रे देखा जइबो गोटे सॉलिड स्ट्रक्चर ओके ए टाइप रे देखा जइबो। बट सेइ जगह रे सेम केस रे जदि आपन चिकन रो बोन देखिबे देन चिकन रो बोन रे आपन को ए टाइप रे मिलबो। जदि को माने को डाउट अछि देन नेक्स्ट टाइम जेबे चिकन किमा मटन खाइबे से जगह रे आपन बोन को टिके मार्क करिवे तो इजीली आपन जानि परिवे। तो चिकन बोन रे आपन को सॉलिड स्ट्रक्चर मिलिबो नि एटा रहला आपन को चिकन रो जोटा कि एटा रहला आपन को मटन रो बोन ओके। तो मटन बोन रे आपन को पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर मिलिबो जोटा कि चिकन बोन रे आपन को सॉलिड स्ट्रक्चर मिलिबो नै एंड दैट इज बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पेस जहाँ को आपन को न्यूमेटिक बोन्स बोली कहा जाए ठीक अच्छे। तो एड्स मान को केस रे से देखा गया। देन 17 आसीगला हॉलक्स इज हॉलक्स एक्चुअली आपनकर फर्स्ट फिंगर को बुझाए। तो जमी आम हाथ कि गोड़ जब आप देखुं जमी बुढ़ा अंगुटी आम अच्छे प्रथम फिंगर हाथर कि गोड़ ठीक सेमती हॉलक्स कहले आपर हाइंड लिप मानने गोड़ प्रथम आंगुठी की बुझाए। तो बर्ड्स मान केस भी सेम जिनस तो यहाँ आपंकर आसीज ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बर्ड्स हाव एयर सैक अटैच टू द लंग्स ये आपर ठीक स्टेटमेंट बर्ड्स हाव हेट्रोसिलस वर्टिब्रे ये भी ठीक स्टेटमेंट सम बर्ड्स कैन फ्लाय बैकवर्ड ये भी ठीक ऑल बर्ड्स हाव ओनली वन ओवरी टू रिड्यूस देयर वेट। अच्छा यहाँ गोटे स्टेटमेंट जोटा कि आपर गोटे क्लीयर आईडिया रहा निहाती भाव में जरूरी बर्ड्स मानक केस यूजुआली से मानकर यंग स्टेज रे आप देखिए दुईटा ओवरी थाए सिंगल ओवरी रे मानकर जन्म हुए ना दुईटा ओवरी रे ही माने जन्म ही थांती। बट अलोंग विथ द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एम कौन हुए जो माने एडल्ट को कन्वर्ट हूँ गोटे मैच्योर स्टेज को आसती गोटे ओवरी कौन हुए से जगह आपर डिजल्व हो जाए कि आपंकर डीजेनरेट हो जाए कहीपर एंड तार रिजन हूँ या जेहेतु आम मैंने गोटे एवियन क्यारेक्टरीस्टिक्स केस देखा जाए मैंने उड़ती तो जदि एम बडी हेवी रहा जिते बडी एम हाल्का रहा से जल्दी से मैंने इजिली कितने ऊपर को हेवी डिस्टेंस पर्यटन से उड़ी पारे जिते बडी एम हेवी होने उड़ी पारे ना। तो बडी आरेंजमेंट भी से टाइप रही है तो ताकू गोटे एक्सट्रा आडिशन जदि दुईटा ओवरी अच्छी तो से केस गोटे ओवरी रिड्यूस हो जाए और गोटे ओवरी कम करे। तो ये आम एटा कहीपर कि मैच्योर स्टेज को गलापर से केस रिडक्शन देखा जाए बट आम एटा कहीपर कि हाँ आउ गोटे जिनस कि एक्सेप्सनाल बर्ड्स मैंने भी अच्छा जो मेस दुईटा ओवरी आपको देखा जाए। तो जो केस एमती लिखा जाए कि ओनली दैट मीनस केवल ये जिनसा हम यहाँ सब गोटे एमती स्टेटमेंट मोस्टली यहाँ भूल आसीज बिकज ये प्रकार ओनली वाला स्टेटमेंट गुड़ाक मोस्टली आपर भूल थाए। तो जब आप ट्रिक्स मन रखिपर तो ये ट्रिक मन रखिपर कि केबे भी आपर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट गुड़ाक आप ठीक हुए ना। सो ऑल स्टेटमेंट है किंबा ओनली स्टेटमेंट है सपोज गोटे स्टेटमेंट लिखाई देन से लिखाई कि ऑल वर्ड यूज हो कि गोटे स्टेटमेंट अच्छे जो कि ओनली वर्ड यूज हो। तो युवाक आप मोस्टली 99% जगह आपर एक भूल स्टेटमेंट हिसाब से ही काउंट हुए जोटा कि अल्टीमेटली भूल थी। बट स्टिल यही प्रकार ट्रिक्स अप्लाई करने पूर्व मेक श्योर कि आपको से कन्सेप्ट प्रॉपर क्लैरिटी थी दरकार बेले बेले जदि आप किटा एक्स्ट्रा रिस्क नाप मे बी गोटे दुटा क्वेश्चन आप टाइप अटेंड करदे पारे बट जदि आप कन्सेप्ट को लेकिन श्योर ना देन ये प्रकार क्वेश्चन को अटेंड करेंगे ना बिकज अटेंड न करवाटा बेस समझदारी हम रादर दैन कि निजक से प्रकार रिस्क कंडीशन में पुट करेंगे जो जगह सिलेक्शन हो आप कटिज ओके। तो जदि आप कन्सेप्ट क्लारिटी अच्छी देन गोटे दुटा जगार आपे मानने आइडिया लगे कि से जगह रिस्क नहीं पारे बट जब आप बिल्कुल कन्सेप्ट आइडिया नहीं तो एमती अल् कि ओनली वाला स्टेटमेंट आप रिस्क ने ना ओके। देन नेक्स्ट आसला 19 क्वेश्चन 19 रे आमको बाहर करियार अच्छी पांचटा छटा स्टेटमेंट भितर कौटा भूल स्टेटमेंट इस्थियोफिस प्रथम कथा इस्थियोफिस है गोटे आपर आम्फीबियन जीक जाकर आपड़ा कैटेगरी आपड़ा मान आपर कौन प्रकार पोडियम नैट मीन लोकोमोटिव अर्गन आबसेंट थी। तो इस्थियोफिस कॉइल अराउंड देयर एग्स टू प्रोटेक्ट देम एटा ठीक अच्छे इस्थियोफिस इज ए रेप्टाइल एटा भूल इस्थियोफिस लिव्स इन अ बरो एटा ठीक अच्छे फोम नेस्ट आर एग्जांपल ऑफ पैरेंटल केयर एटा ठीक अच्छे रैकोफोरस बिल्ड्स फोम नेस्ट एटा भी ठीक अच्छे पैरेंटल केयर इज नॉट नेचुरली सिलेक्टेड एटा भूल अच्छे पैरेंटल केयर इज नेचुरली सिलेक्टेड। तो दुई आपर भूल होगा छः आपर भूल होगा बाकी 1 2 3 4 5 ठीक अच्छे दैट मीनस ऑप्शन नंबर सी आपर ये ठीक हो।
ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବର୍ ହାଭ୍ ବୋଥ୍ ଗିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦେୟାର ଆଡଲ୍ଟହୁଡ଼। ଆମ କେସ୍ରେ କିଛିଟା ମାଛ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ କି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସରି, କିଛିଟା ମାଛ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଲଙ୍ଗ୍ସ ବି ଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଗିଲ୍ସ ବି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ସ ଫିସେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାଛ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମ୍ଫିମିଅନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଫିସେସ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଗିଲ୍ସ ବି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ସ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ଏଠି, ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫର୍ଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ ଇନ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ଲିଏ ଟେଟ୍ରାପୋଡ୍ ୱାଜ୍। ଜଅ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଛମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ତ ଟେଟ୍ରାପୋଡ୍ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଣ୍ଡ ଲିମ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ ଲିମ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆମ୍ଫିବିଅନ୍ସ। ତ ଆମ୍ଫିବିଅନ୍ସ ଆସିଯିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଆସିଯିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଫ୍ସ ଆସିଯିବେ କିମ୍ବା ମାମଲ୍ସ ଆସିଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଟ୍ରାପୋଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଭିତରେ ଆସନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଜଅ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ମାଛମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଜଅ ଆସିଯାଇଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବୋନି ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍, ଓଭିଅସ୍ଲି ବୋନି ଫିସେସ୍ ଆମର ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆବିଲିଟି ଟୁ ସ୍ୱିମ୍ ଲାଇକ୍ ଫିସେସ୍, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଫିସ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଫିସ୍ ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପିସେସ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ସୁପର କ୍ଲାସ୍। ଟେଟ୍ରାପୋଡ଼ା ଗୋଟେ ସୁପର କ୍ଲାସ୍ ରହିଲା, ପିସେସ୍ ଗୋଟେ ସୁପର କ୍ଲାସ୍ ରହିଲା, ପିସେସ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଟେଟ୍ରାପୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ଫିବିଅନ୍ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ଏକ୍ସ ମାମଲ୍ ଆସିବେ। ତ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଟ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜିଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ସୋ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଦେନ୍ 22ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ସେପରେଟ୍ କଡେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ଆନିମଲ୍ସ। ଓକେ, ଟ୍ରୁସିଲମ୍ ତ ନନ୍ କଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନନ୍ କଡେଟ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆନିଲିଡ଼ାମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁସିଲମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ କେସ୍ରେ, ନିମାଟୋ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୟୁଡୋସିଲମ୍ ଦେଖାଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍, ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲୋମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ନଥାଏ। ଓକେ, ସୋ ଆନିଲିଡ଼ା ଆଗକୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖିବେ, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ଼ା ରହିଲା, ମଲୁସ୍କା ରହିଲା, ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ରହିଲା, କଡେଟ୍ସ ରହିଲା, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁସିଲମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ତ କଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତାକୁ ସେପରେଟ୍ କରୁନାହିଁ। ଦେନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟୋଫୋର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବିକମ୍ ଆନାସ୍। ଓକେ, ବ୍ଲାଷ୍ଟୋଫୋର୍ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋଷ୍ଟୋମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମିନ୍ ସରି ପ୍ରୋଟେରୋଷ୍ଟୋମ୍ସ ଆଇ ଗେସ୍। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟେରୋଷ୍ଟୋମ୍। ଓକେ, ପ୍ରୋଟୋଷ୍ଟୋମ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ପୋରିଫେରା ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ମଲିସ୍କା ଯାଏ। ଓକେ, ଡ୍ୟୁଟେରୋଷ୍ଟୋମ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟା ଠୁ ଫର୍ଦର୍, କଡେଟ୍ସମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯେତେ ସବୁ ହାୟର୍ କଡେଟ୍ସ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ଲାଷ୍ଟୋପୋର୍ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଏ ମାଉଥ୍କୁ, ଡ୍ୟୁଟେରୋଷ୍ଟୋମ୍ କେସ୍ରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟୋପୋର୍ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଏ ଆନସ୍କୁ। ଓକେ, ତ କଡେଟ୍ସମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟେରୋଷ୍ଟୋମ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଏକାଇନୋଡର୍ମାଟାମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ। ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆଇ ମିନ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ବାଲା ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେବ ନାହିଁ ଯିଏକି କଡେଟ୍ସମାନଙ୍କୁ ସେପରେଟ୍ କରୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆନିମଲ୍ସମାନଙ୍କ କେସ୍ରୁ। ବାଇଲେଟ୍ରାଲ୍ ସିମେଟ୍ରି ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି କଡେଟ୍ସମାନଙ୍କୁ ସେପରେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ସେପରେଟ୍ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟନାଲ୍ ଟେଲ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି MCQs ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଆଇଦର ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାକି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଅପସନ୍ର ଆନ୍ସର୍ର ମାନେ ତା'ର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ'ଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଇଭିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନ ବି ଜାଣିଥିବେ ଦେନ୍ ବାକି ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଇଦର ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାକି ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଯିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23ରେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ଏଇଠି, କୋରାଲ୍ସ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସି ଆନିମନ୍ସ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ବାଇ ବୋଥ୍ ନିଡରିଆନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଟ୍ ୱମ୍ସ। ନିଡରିଆନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଟ୍ ୱମ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡର୍ସର ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଫ୍ଲାଟେନ୍ ବଡିଜ୍, ଆଚ୍ଛା ଡର୍ସର ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଫ୍ଲାଟେନ୍ ବଡିଜ୍ ରହିଲା, ଦେନ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ବଲ୍ବସ୍, ରେଡ଼ିଆଲ୍ ସିମେଟ୍ରି ଏଇଟା ତ ହେବ ନାହିଁ, ଫ୍ଲେମ୍ ବଲ୍ବସ୍ ଏଇଟା ଫ୍ଲାଟୋମ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ, ନିଡାରିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଡର୍ସର ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଫ୍ଲାଟେନ୍ ଫ୍ଲାଟୋମ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ, ନିଡାରିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାଟେନ୍ ବଡି ନୁହଁ। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏତେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓପନିଂ, ଡି ଅପସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ।
देन 25 एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज ओनली बिहेवियर कंट्रोल्स ओवर इट्स बॉडी टेम्परेचर. अच्छा जितेबले गोटे ऑर्गेनिज्म रो कोनोसी बिहेवियरल एक्टिविटीज तार बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करूची दैट मीन्स आम एटी एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म मान का विषय कथा होचे. मन रखिबे दीटा प्रकार रो एटी टेम्परेचर आपनकर कंट्रोल हे परिबो आइदर ये एक्टोथर्मिक हे परिबो किंबा एटी माने एंडोथर्मिक हे परिबे. एक्टोथर्मिक केस रे आपन मानकर किछटा बिहेवियरल अडैप्टेशन देखा जे जोति जगु ऑर्गेनिज्म निजर बॉडी रो टेम्परेचर को कंट्रोल करिके रखे जोटी की एंडोथर्मिक केस रे बॉडी रा टेम्परेचर बाहर टेम्परेचर संगे कौनसी ताकु प्रॉब्लम हुए ना बिकॉज बॉडी निजर टेम्परेचर को से हिसाब से मैनेज करे सो दैट कि जदि बाहर टेम्परेचर बेसी हो जाए बॉडी रा टेम्परेचर कमी जीवो बाहर टेम्परेचर जदि कमी जाए बॉडी रा टेम्परेचर बढ़ी जीवो. बट एक्टोथर्मिक मानक केस रे से सब जिंस हुए ना से मानको निजर बिहेवियर रे चेंजेस आनिबा को पड़े जमती कि फॉर एग्जांपल आपण ग्रीष्म सुप्ति किंबा शीत सुप्ति विषय सुनिथिबे एस्टिवेशन हाइबरनेशन विषय सुनिथिबे आई केस रे देखा जाए. तो जदि आपण एठी देखुचंदी एक्टोथर्मिक आसीगला माने आपण सेही ऑर्गेनिज्म मानको देखिबा जो मानको केस रे एक्चुअली आई मीन कोल्ड ब्लडेड एनिमल जदि मु आहुरी सिंपल भाषा रे कहिबी ताहाले कोल्ड ब्लडेड एनिमल मानको केस रे आपणकर देखा जइबो एक्टोथर्मिक एवं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म मानको केस रे देखा जइबो आपणकर एंडोथर्मिक. तो आमे देखिबा पेंगुइन तो आपणकर बर्ड कैटेगरी रे आसी जाउची तो तार वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म रे से गले. देन तुना तुना आपणकर गोटे माछ जोटा कि गोटे यूनिक टाइप रा माछ आसी जाउची जोटा कि बोनीफिश अंडर रे आसी जिवो एवं ये आसी जिवो आपणकर वार्म ब्लडेड कंडीशन रे. ओके तो ये भी आसी गला. देन ग्रे वोल्फ मामल्स मामल्स मानक केस रे भी आपणकर वार्म ब्लडेड कंडीशन ते ये भी वार्म ब्लडेड आसी गला. बाकी रहिला आपणकर फ्रॉग जोटा कि आसी जिवो आपणकर कोल्ड ब्लडेड एवं ए मानक केस रे देखा जिवो टेम्परेचर को कंट्रोल करि परिबो कैपेसिटी जोटा कि आपणकर देखा जाए बिहेवियरल अडैप्टेशन थ्रू रे. ओके देन 26 रे जदि आमे देखिबा हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन एबे संगे संगे आमे सेही विषय रे डिस्कशन करथरा आर द बोथ द एग्जांपल ऑफ टॉर्पर. टॉर्पर एक्चुअली गोटे मेकानिज्म जोथरे कि गोटे फिजिकल इनएक्टिविटी किंबा मेंटल इनएक्टिविटी गोटे ऑर्गेनिज्म शो करे जेतेबेला हाइबरनेशन हला किंबा एस्टिवेशन हला गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे पर्टिकुलर सीजन पई माने गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाए से बिल्कुल बाहर को ही आसबनी से बिल्कुल भी बॉडी रो कोनो से प्रकार रो मूवमेंट से माने शो करंती नहीं कम गोटे इनएक्टिव कंडीशन को चली जाती तो सेटा आसी जब आपन को टॉर्पर केस रे. ओके देन नेक्स्ट आसी जब नेक्स्ट आमे देखिबा 26th क्वेश्चन 26th रे. अच्छा सॉरी ट्वेंटी सिक्स जी आम देखा ट्वेंटी सिक्स ये क्वेश्चन कौन रहा एक्सट्रा सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन. हाँ ठीक अच्छे सो एक्सट्रा सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेसेस इज एन इवोल्यूशनरी अडैप्टेशन इन मेनी एनिमल फाइला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली पेयर्ड विथ कंपार्टमेंट दैट फर्स्ट इवॉल्व इन दैट फाइलम. ओके फर्स्ट इवॉल्व होता इंटेस्टाइन आपणकर मॉलस्कर इवॉल्व हो नाला बिकज ता पूर्व ऑलरेडी लार्ज इंटेस्टाइन डेवलप आई मीन लार्ज इंटेस्टाइन तो आपणकर आसी जिवो हायर ऑर्गेनिज्म मानक केस रे. मॉलस्का केस रे तो आपणकर लोअर ऑर्गेनिज्म आसी जाउ छी तो एटा हबो नाही. आर्थ्रोपोडा मानक केस रे स्टमक अच्छा स्टमक आर्थ्रोपोडा मानक पूर्व रु ही डेवलप हो सकता तो एटा आसी जिवनी. देन एनिलिडर कंप्लीट एलिमेंटरी कैनल देन निडरिया गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. ओके आपणकर एनिलिडा केस रे कंप्लीट एलिमेंटरी कैनल आसी जाइए गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी निडरिया मानक पूर्व भी डेवलप हो सारी. सो एनिलिडा आसी जिवो जोटा कि ट्यूब इन ट्यूब कंडीशन आपणकर आसी जाउची दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म रो बॉडी ए टाइप रे रहिला ता संगे एलिमेंटरी कैनल आपणकर ए टाइप रे रहिला जहाको आपणकर ट्यूब इन ट्यूब बोली कहा जाए. सो ऑप्शन नंबर सी आसी जिवो एठी आपणकर ठीक आंसर कंप्लीट एलिमेंटरी कैनल. ओके देन नेक्स्ट आम देखा 28th को 28th जब आम ये क्वेश्चन देखा कौन लिखाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओनली वर्टिब्रेट्स इन व्हिच ब्लड फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टू बॉडी टिश्यूज विदाउट फर्स्ट रिटर्निंग टू द हार्ट. ओके एम्फीबियंस मानकर ट्राई चैम्बर या फिर तीन टा चैम्बर वाला हार्ट रहिबो तो से मानको केस रे देखा जाए. बर्ड्स मानको केस रे चार टा चैम्बर रेप्टाइल्स मानको केस रे तीन टा एवं किछि रेप्टाइल्स अछि जे मानको केस रे चार टा फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल तो ए मानको केस रे रिटर्न करे हार्ट को बट को केस रे रिटर्न करे नहीं सेटा रहिला आपनकर फिशेस जोटि कि आपनकर दीटा चैम्बर वाला हार्ट देखा जाए किमा जहाको आमे वेनस हार्ट बेली किमा आमे कहि थाउ. ठीक अछि ए मानको केस रे रिटर्न करे नहीं हार्ट को तो डायरेक्टली माने रेस्पिरेटरी ऑर्गन रो डायरेक्टली से बॉडी टिश्यू को ही
चलीजी ओके दे 29th क्वेश्चन देखा 29th रे प्रथम क्वेश्चन जदि आम ये देखा तो आई मीन 29 रो क्वेश्चन जदि आम देखा तो ये कौन लिखाई द क्वेश्चन सहित टाइटल वॉल्यूम ऑफ 450 ml वाइटल कैपेसिटी रहा आप 4000 ml एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम आप 1000 ml देन द टोटल लंग्स कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी रो फार्मूला रहा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम तो सिंपल आप कौन करेंगे 4000 एवं 1000 को आड करदे आपको मिलगला 5000 ml आंसर आसीजीबा आपनकर सी ओके देन क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच फीचर ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इज फाउंड इन बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर बोनिफिसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू गिल्स ओके गेन ऑफ सॉल्ट थ्रू गिल्स नो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर गेन ऑफ वाटर थ्रू फूड अच्छा तो ये जिनसा आपनकर कॉमन आसीजीबो डी ऑप्शन आपनकर कॉमन आसीजीबो जोटा कि बाकी तीन टाक ऑप्शन एठी आपनकर फिट आसु नाही सो टोटल आम 30 क्वेश्चन ये डिस्कशन कले एंड आई होप कि आपर प्रिपेरेसन आपार्ट कर सारी बिकज वन मंथ पर सर्ट नोटिस भितर से एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो मेक् श्योर कि आपर प्रिपेरेसन भी से स्ट्रंग होगा दरकार ओके फोकस्ड रुहतु जिते भल भाव प्रिपेयर करने कथा प्रिपेयर करूँ पुराणा क्वेश्चन जहाँ भी अच्छे प्राक्ट करूँ बाकी एंट्रान्स एक्जाम क्वेश्चन जहाँ भी अच्छे प्राक्ट करूँ जिते जिते बेस प्राक्ट करेंगे आपत बेसी भेरटर क्वेश्चन आपड़ जापर बुझीपर नलेज रहा सब जिन नुह बट से नलेज को आप्लाय करवा भी आसवा दरकार ओके सो नेक्स्ट वीडियो रे मु बाकी आउ 30 क्वेश्चन सहित आपत भिड सेयार करी सो आजपाई ये आई होप कि आपर प्रिपेरेसन ये भिडटी हेल्पफुल रदि आपण को भिडटी भल लगी देन लाइक करूँ सेयार करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ थैंक यू एवरीवन नमस्कार समस्त हैव ए गुड डे